लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया का खास कार्यक्रम सवाल है। हम चर्चा करने वाले हैं मुस्लिम समाज की हालत को लेकर, उनके शिक्षा और रोजगार को लेकर, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, और इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। एनसीपी अल्पसंख्यक सेल के नई मुंबई के जिलाध्यक्ष सैयद पीर फकीरा साहब। फकीरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान हैं शिवसेना के अल्पसंख्यक सेल के जिला प्रमुख अबुलेस मोहम्मद अबुलेस शेख राजू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे तीसरे जो मेहमान हैं अल्पसंख्यक सेल नई मुंबई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनवर हवलदार साहब। हवलदार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल की मैं शुरुआत अनवर भाई आपसे ही करते हैं। आप क्या हालत देख रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी नई मुंबई में किस तरह की हालत है, राजनीतिक हालत कैसी है, सामाजिक हालत कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नवी मुंबई का जो माइनॉरिटी समाज है, इसके अंदर जितने भी समाज आते हैं, जैसा बौद्ध है, जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, मुस्लिम है, इन लोगों इन छह समाजों के अंदर अगर ऐसा देखा जाए तो एक दो समाज को अगर छोड़ा जाए तो बाकी के समाज की जो हालात है वो करीब करीब दूसरे शहरों से यहाँ पर ठीक लगती है। शिक्षा के स्तर के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये होता था कि मुस्लिम समाज के अंदर काफी पिछड़ापन ऐसा मिलता था। हाँ। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि ठीक है, सरकार की क्या कोशिश हुई नहीं हुई, सरकार ने क्या मदद की नहीं की, वो नहीं, लेकिन माइनॉरिटी समाज में से इस तरह के एनजीओ पैदा हो गए, इस तरह के एनजीओ बने कि वो अपना एफर्ट लगा के उन लोगों के शिक्षा के लिए खर्च करने लगे। और खर्च करते हुए मैंने देखा, मेरी खुद की भी अपनी एक एनजीओ है कि उनका स्कूल से खर्चे से लेकर के कॉलेज डिग्री तक के खर्चे की फीस जो है वो भर रही है, तो उनकी शिक्षा की हालत अच्छी है। और आज वो ना सिर्फ अपने स्टेट के अंदर, ना सिर्फ अपने देश के अंदर, बल्कि वो दूसरे देशों के अंदर, जैसे कि गल्फ के कंट्री है वगैरह, वहां पर जाके अपनी नौकरी या छोटा मोटा जो भी कुछ कारोबार वो कर रहे हैं और आज उनकी हालत से। लेकिन इसके अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज भी बौद्ध समाज का अगर देखा जाए तो उसके अंदर उनको रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उनकी हालत थोड़ी सी किस तरह से लगती है कि उनमें पिछड़ापन नजर आता है। पिछड़ापन की एक वजह ये भी है कि उन्होंने आगे जाने की कितनी कोशिश की, एक ये होता है, और दूसरा उनको सरकार ने एक जगह के ऊपर ला करके जो उनके समाज की जरूरत है उसको समय समय के ऊपर पूरी करना, इस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि नजरअंदाज किया गया है। और ये जो छह समाज के अंदर है उसके अंदर मुस्लिम समाज जो है, जो मेजोरिटी में है, बाकी तो माइक्रो माइनॉरिटी है, इन लोगों की हालात जो भी है वो अपनी वजह से, इसमें मैं समझता हूँ कि भले वो बीजेपी की सरकार हो या हमारी महाविकास अघाड़ी की सरकार हो, मैं देखिए जब मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा और मेरे पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे मेरे समाज के बारे में बताना जरूरी है, तो उतनी कोशिश नहीं हुई जितनी कोशिश होनी चाहिए कि इसके अंदर माइनॉरिटी समाज के अंदर मुस्लिम समाज के हालात को सरकार की तरफ से इस तरह से कुछ चीजें मिलते कि सुधार आ जाए। क्या कहेंगे राजू भाई? कहना यह है कि महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट थी, सभी पार्टियां थी हमारी, मगर जो मुसलमानों की हालात है अपने बलबूते पे, जो महाराष्ट्र के नई बंबई के अंदर मुस्लिम समाज है अपने बलबूते, शिक्षा बिजनेस अपने बलबूते पे करते, गवर्नमेंट के तरफ से नहीं, इतनी कोई सहयोग नहीं मिलती। अच्छा, है ओके। बच्चे को एडमिशन नहीं हो पाता है स्कूलों में, और काम धंधे के लिए भी परेशानी होती है, हॉस्पिटल में उनके ऑपरेशन ये सब इलाज नहीं मिल पाती है, और हम लोग कोशिश करते हैं दूसरे किसी के मदद से वहाँ तक वहाँ ले जाते हैं और इलाज कराते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं, मगर गवर्नमेंट से उम्मीद है, हमारी अल्पसंख्यक के और नया गवर्नमेंट बनी है इसमें जो है बीजेपी और शिंदे साहब की सरकार है, इससे भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्पसंख्यक को
कुछ अच्छे सहयोग किया जाए और उनका जो हक है उनको मिले। सैयद पीर फकीरा जी क्या कहेंगे, आप किस तरह से अपने समाज की स्टेटस को देखते हैं? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद देता हूँ टीवी वन इंडिया चैनल का कि आप लोगों ने हम सब मेहमानों को यहाँ पे बुलाया और लोगों तक हमारी बात रखकर माइनॉरिटी का पहले एक डिबेट नवी मुंबई में इस तरीके से चर्चा किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार करता हूँ। सबसे पहले तो माइनॉरिटी की जो खस्ता हालत है आज नवी मुंबई एक में बहुत पढ़े लिखे तबके हैं, जिसके वजह से माइनॉरिटी के जो लोग हैं जैसे एनजीओ चला रहे हैं, जैसे अनवर भाई का एनजीओ हो गया, मेरा एनजीओ हो गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एनजीओ की तरफ से हमारे लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाया जाए, उनको एजुकेशन में प्रायोरिटी मिला जाए और उनके नौकरी के लिए कोशिश किया जाए। जहाँ तक सरकार का है, सरकार की सारे योजनाएँ सारे स्कीम्स आते हैं लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचती है, वो सिर्फ कागजों में रह जाता है, जिसके वजह से हमारी समाज समाज के लोग पिछड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक नवी मुंबई का सवाल है, नवी मुंबई में पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा समझदार है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, जैसे अनवर भाई हो गया, मैं हो गया, पॉलिटिकल एक्टिव है, तो हमारे समाज को हम एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये एक ही समाज नहीं है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, पूरे मानव उनका एक मिशनरी है, उनके एजुकेशन में उनके पूरे स्कूल्स पूरे महाराष्ट्र में चलते हैं, पूरे इंडिया में चलते हैं, तो इसलिए उनको एजुकेशन के लिए उनको उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रहा सिख समाज के लोग हैं, वो पॉलिटिकली थोड़ा कम जुड़ते हैं क्योंकि वो एक छोटा सा मतलब परसेंटेज होने की वजह से वो अपने समाज में खुश है। रह गया है माइनॉरिटी के, अभी जैन हो गए, बुद्धिज्म हो गए, ये भी अपने आप को कितना कमी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके भी कुछ परसेंटेज कम होने की वजह से वो भी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम समाज का जो थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को एजुकेशन में और नौकरी में प्रायोरिटी मिले, तो आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से माइनॉरिटी का कामकाज एनजीओ की तरफ से चल रहा है उसी तरीके से हम लोग पार्टी की तरफ से भी उठाने की कोशिश कर। शिक्षा के मामले में देखें तो उस तरह की व्यवस्थाएं आज भी नहीं है कि उनके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हों, या रोजगार के मामले में या सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिले मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को, ऐसा कुछ बहुत सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आता। राजू भाई आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए क्या जिस तरह से मौका मिलना चाहिए नौकरी रोजगार में या अच्छी एजुकेशन में, ऐसा मौका मिल रहा है क्या सरकार की तरफ से, ऐसी कोई योजना दिख रही है क्या आपको? योजना तो बहुत सारी आती है गवर्नमेंट का, पेपर में ही सिमट जाता है, पब्लिक में आता नहीं, हम लोगों तक आता है नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा योजना आया, क्या आया, उसका बेनिफिट क्या है, गरीब लोग है। मैं खासकर एजुकेशन की बात, युवाओं के शिक्षा और उनके रोजगार को और सरकारी नौकरियों की बात कर नहीं नहीं, उनको भागीदारी नहीं मिलती है, भागीदारी बिल्कुल नहीं मिलती है, और शिक्षा जो है स्कूलें हैं उनकी एडमिशन भी नहीं होती है, मैं पहले भी आपको बताया हूँ, ठोकर खाते फिरते एडमिशन का इधर उधर, कोई ध्यान नहीं देता, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है। हम लोग झोपड़पट्टी एरिया बहुत सारी है न्यू बॉम्बे में, वहाँ भी मुसलमानों की आबादी, गरीब लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई के ये नहीं देखते हैं कि भाड़ा कहाँ कम मिलेगा, 4,000-2,000 वहाँ ले लेते हैं, अब बच्चे को स्कूल 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर स्कूल भेजते हैं, उनकी हर समस्या, इलाज की समस्या, पानी की समस्या, महानगर पालिका कहीं भी बातें सुनी नहीं जाती है, पुलिस स्टेशन तक की बात नहीं सुनी जाती है, 2-3 बार चक्कर लगाना पड़ता है, हम लोग के जाने के बाद उनकी सुनवाई होती है। क्या कहेंगे अनवर भाई, आपको क्या नज़र आता है कि आज अक्सर कहा जाता है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के युवा अधिकतर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, आपको कारण लगता है कि यही एक कारण है कि जब शिक्षा में उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियों में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जब वो बेरोजगार रहेंगे? जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी उस वक्त 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था माइनॉरिटी के लिए और उसमें सभी माइनॉरिटी के लिए मुस्लिम समाज के लिए, उस वक्त शिक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी की तरफ ये समाज बढ़े, इसलिए उस वक्त काफी कोशिश हुई और इस तरह की कोशिश हुई कि अगर महाराष्ट्र का मैं एग्जांपल दूं तो उस वक्त जो है आरिफ नसीम खान मंत्री थे उन्होंने आपने देखा होगा कि शिक्षा जो कॉलेज स्तर की होती है या स्कूल स्तर की होती है तो वहाँ पर नाइट स्कूल वगैरह चलती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम हायर एजुकेशन उसके अंदर इस तरह से चीजें नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए आरिफ नसीम खान जी ने सभी जिलों में करीब करीब महाराष्ट्र के सभी जिलों के अंदर ये टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस
शुरू किए, उसके पीछे मकसद ये था कि परसेंटेज की वजह से शिक्षा में थोड़े पीछे रहने की वजह से इनको जो बाकी कॉलेजों में जो आगे है कॉलेज जो बहुत ज्यादा बड़ी कॉलेज है तो इनमें एडमिशन नहीं मिलता, तो उन लोगों को वहां पर एडमिशन मिले और वो खर्चा जो है सारा सरकार उठाए, वो कोशिश और एक अच्छी कोशिश थी। उसके बाद में जब महाराष्ट्र के अंदर अभी जब यहाँ पर युति की सरकार थी उस वक्त तो ये हुआ कि जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी और उनको जो स्कॉलरशिप मिलती थी सरकार की तरफ से मौलाना आजाद कमीशन की तरफ से वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, आप फॉर्म भरिए कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ उसको टोटल बंद कर दिया। तो उस वजह से भी ये होता था कि जिस बच्चे की स्कूल की फीस प्राइवेट स्कूल के अंदर 25,000 20,000 होती थी उनको अपने बल पे भरना पड़ता था या फिर किसी एनजीओ के पास में जा करके लेना पड़ता था। शिक्षा की हालत इस तरह से है कि आपने कहा कि आज जो नौकरी रोजगार की बात जो है, मैं ये समझता हूँ और मेरा ये 100% दावा है नई मुंबई के लिए कि जो मुस्लिम समाज है, खासकर माइनॉरिटी में आपने मुस्लिम समाज का सवाल पूछा, ये जो भी बिजनेस या नौकरी करते हैं ये 100% जो है अपने बल पे करते हैं, इसके अंदर सरकार की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं। बीच में जब आर आर पाटिल होम मिनिस्टर थे तब कोशिश की जा गई थी कि कम से कम 2% जो है पुलिस के अंदर कोटा रखा जाए मुसलमानों का वगैरह, लेकिन वो भी बात नहीं चली और यहाँ पर मुसलमानों को कहीं कुछ सम्मिलित नहीं किया गया। तो आज जो कुछ भी नई मुंबई का मुसलमान है वो मैं समझता हूँ वो अपने बल पे है। एक तरह से सरकारी तौर पर देखा तो बड़ी उपेक्षा है, अगर सरकार के तौर पर देखा तो युवाओं के लिए उपेक्षा मतलब साफ तौर पर दिख रही है। सैयद पीर फकीरिया जी क्या कहेंगे? अभी देखिए, अनवर भाई ने जो कहा यूपीए 1 और यूपीए 2 के वक्त जो स्कीम्स आए थे सरकार की तरफ से, वो उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में थोड़ा बहुत बेनिफिट हमारे मुसलमान समाज को मिल जाता। हाँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है जैसे सरकार बदली, लोगों का नज़रिया बदल गया, ये सरकार ने मुसलमानों ये समाज को इतना भयभीत कर दिया, इतने हर तरीके से ऐसे कर दिया कि आज हमारे हिंदू भाई भी हमको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से पहले देखा था। अच्छा, आज हमको दूसरी और दूसरे नज़र से देखा जा रहा है। और जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, ना हमको शिक्षा में सरकार की तरफ से आज की तारीख में मदद मिलती है, ना नौकरी में मदद मिलती है, ना किसी चीज़ में। आज अगर कोई मुसलमान अगर एप्लीकेशन अगर स्कूल में भी डाले या कॉलेज में भी डाले, वो नाम देखकर ही वो उस फॉर्म को लोग साइड कर देते हैं। अच्छा, हमको 10 चक्कर लगाना पड़ता है, फिर हमको कुछ वहाँ पे अप्रोच लगाना पड़ता है, वहाँ पे हमको धरना देना पड़ता है, भूखहड़ताल करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो समझो कि कुछ लोग कर पाते हैं और जो गरीब तबके के लड़के लोग हैं वो कर नहीं पाते, तो फिर वो अपना आपा खो देते हैं, तो कुछ लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, कुछ लोग नशे के रास्ते में चले जाते, पूरा समाज हमारा जो है वो अंधकार में चला गया। इस मामले को लेकर राज्य सरकार में अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय है, और जैसे आपने कहा कि मौलाना आजाद बोर्ड भी है, कमीशन भी है इस चीज को लेकर, और इन दोनों का मकसद यही है ताकि मुस्लिम समाज के युवाओं को, लड़कियों को, महिलाओं को और जो लोग उसके जरूरतमंद लोग हैं उस समाज को या पिछड़े जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। इस दोनों की भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग इतने लंबे समय से राजनीति में और समाज सेवा में काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने स्कीम्स बताया ये पेपर में रह गया और इसमें सिर्फ लोग सरकार को दोष देके फायदा नहीं है कि सरकार ही नहीं कर पा रही। अच्छा, सरकार में जो बैठे हमारे मुसलमान समाज के जो नेता लोग हैं उनकी भी कुछ गलतियां हैं। अच्छा, तो एक तरफा से हम सरकार को कोसेंगे और हम ये करेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हैं उन लोग को करना चाहिए, वो सिर्फ कागज, अगर वो लोगों ने अगर थोड़ा सा कोशिश किया होता, अगर वो ग्राउंड लेवल पे अगर नीचे उतरे होते तो शायद आज हमारे समाज को बिल्कुल एक वो होता। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे राजनेता ऐसे हैं या सारे लोक प्रतिनिधि ऐसे, कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर नहीं है। शरद पवार साहब ने और हमारे माइनॉरिटी के लिए उन्होंने बहुत सारा
योजनाएं की है, बहुत सारे मिनिस्ट्री हमारे जैसे नवाब मलिक साहब को दिए, हसन मुशरिफ साहब को दिए, ऐसे माइनॉरिटी को उन्होंने बहुत सारे चांस दिए, लेकिन हमारे जो चीज़ जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो हमारे समाज तक पहुंचा नहीं है। सिर्फ हमारे कुछ जैसे अभी अनवर भाई एनजीओ की तरफ से है, मैं अपने एनजीओ की तरफ से है, तो हम लोग एनजीओ के माध्यम से उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसा है कि मैं नवी मुंबई का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जिले में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े जितने भी समाज हैं इनको एजुकेशन में वंचित ना रहे, हम लोग यहाँ तक प्रयास करें। लेकिन गांव खेड़े में जैसे मानकुर का एरिया हो गया, जैसे बाकी और इलाके हो गए जहाँ पे मुस्लिम समाज एकदम पिछड़ा है, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं, अच्छा कुछ पहुंची नहीं, कुछ पहुंची नहीं पाया वहाँ के। तो एक तरह से सीधे कहें कि जो ऑलरेडी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी माइनॉरिटी कमीशन को उत्थान के लिए लोगों के पास योजनाएं पहुंचाने के लिए, पूरी तरह से फेल हुए हैं। पूरी तरीके से तो फेल नहीं हुए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो कोशिश कर रहे हैं वहां से लेके आने के लिए, लेकिन ये चीज जो है 50% काम हुआ है उसके 50%। अगर समझो पूरा अगर काम होता तो आज हमारे बच्चे एजुकेशन से लैक नहीं होते और हमारे समाज ज्यादा से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन एजुकेशन में उनको भागीदारी होना जरूरी था। राजू भाई, आपको नहीं लगता कि ये नेताओं की बहुत बड़ी फेलियर है? जो लोग उसके जिम्मेदार हैं अगर वो ही नहीं 100% अगर अपना योगदान दे पा रहे हैं तो फिर समाज 100% आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं, नेताओं की फेलियर नहीं है, नेताओं के मुखिया जो है, अच्छा उनकी फेलियर है। अच्छा, अभी वो पद दे दिए हैं, मंत्री बना दिए हैं अल्पसंख्यक मंत्री, और उनके लेटर पैड पे जो है सिग्नेचर करके रख लेते हैं, उनकी चलती नहीं है। अच्छा। एक समाज को दिखाने के लिए मंत्रिमंडल गठन किया गया, अच्छा, है, और वो काम हो नहीं पाती है। ऐसे हमारे कुछ मित्र है सेंटर में बैठे हुए हैं जो MP है, अच्छा, अभी उनका का नाम है कि एक लेटर की जरूरत पड़ती है तो वो लेटर भी नहीं दे पाते हैं, मतलब इधर मोहरा सिर्फ है, मोहरा सिर्फ मोहरा दिखाने के लिए। आज की गवर्नमेंट में जो मुसलमानों की हालात है, 2016 में कम से कम 2.5 करोड़ रुपया आया था न्यू बॉम्बे में, 10 रुपया किसी को नहीं मिला। अभी 2021 2022 2017 कितना फंड आया, क्या आया, किसी को हमें खुद को मालूम नहीं है। तो हम लोग अपने मान लीजिए ये हमारे भाई है और ये मुझे कहने का मतलब है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो बोर्ड बनी है, तो गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनको कुछ आपके माध्यम से कुछ हमारी बातें वहां तक पहुंचे, उनको जो है अगर 5% भी अगर काम होता है तो बहुत सारा काम हमारा दिखेगा। मैं बोलता हूँ 5% क्यों, उनको 100% उस मिशन का, उस कमीशन का पूरा दायित्व यही है कि 100% योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचे। अनवर भाई, क्या वाकई आपको भी यही लग रहा है कि जो नेता है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप समाज के मुखिया हैं, आपको ये अधिकार दिया जा रहा है, आप उत्थान का काम कीजिए, और वो लोग इस मामले में विफल हो रहे हैं, सिर्फ मोहरा बनकर रह जाते हैं पार्टियों का? देखिए, माइनॉरिटी समाज के अंदर से या मुस्लिम समाज के अंदर से जो बड़े नेता है जिनको पूरा महाराष्ट्र और देश नेता मानता है, वो अपने स्तर के ऊपर जो अच्छा हो सकता है समाज के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए, वो कर रहे अपने स्तर के ऊपर। लेकिन ये हर एक पार्टी की स्थिति है आज के समय में, और आपने कई और भी लोगों से सुना होगा कि जो स्पेशली मुस्लिम समाज के जो नेता है उनको मतलब दिल्ली से लेके गली तक इस तरह की सिचुएशन है कि उनके बड़े नेता को स्टेज पे बिठा दो, हर पार्टी की कोई भी पार्टी हो स्टेज पे बिठा दो, उनको फूल दे दो, जैसा ही सब खत्म हो गया स्टेज से नीचे उतर गए उनकी सारी चीजों को भूल जाओ। अच्छा। ये दिल्ली से लेके गली तक के सभी पार्टियों का हाल है। मैं आपको बताऊं कि आज महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटीज के स्कूलों को मान्यता देने की या रिकॉग्नाइज करने की जब बात आती है, आप देखते हैं कि नई मुंबई महापालिका हर साल कई स्कूलों के नाम जो रिकॉग्नाइज नहीं है उनके नाम डिक्लेयर करती है। तो माइनॉरिटी के स्कूलों को रिकॉग्नाइज या लाइसेंस देने की जब बात होती है, कायम करने की बात होती है, तो 8-8, 10-10 साल उनको कायम नहीं किया जाता, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता, किसी न किसी तरह से उनको उलझाया जाता है। रही बात आपने सवाल पूछा था कि सरकार यानी कि मंत्रालय और मौलाना आजाद कमीशन उसकी तरफ से समाज को क्या फायदा है। देखिए, सरकार के तरफ से मैं समझता हूँ जितनी योजना माइनॉरिटी समाज के लिए आना चाहिए और उसकी अमल बजावनी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है। आज
सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज मैं खुद मैं एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता हूँ। मैं एक बैंक में गया, नेशनलाइज बैंक के अंदर, कि भाई मुझे जिस तरह से मुद्रा लोन ये वो आपके है कि उस स्कीम के अंदर मैं बैठता हूँ क्या मुझे आप मुझे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया कि नहीं आपका नहीं हो सकता। लेकिन जब रूलिंग पार्टी के, सेंट्रल के रूलिंग पार्टी के लोग एजेंट बन करके बैंकों के पास जाके जितना चाहिए उतना वो लोन करा रहे, और हम देख रहे हैं कि मोदी जी उसका आंकड़ा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो स्टेट लेवल, स्टेट ने, महाराष्ट्र स्टेट ने माइनॉरिटी की हालात सुधरे, और वो अगर आप उनको नौकरी नहीं दे सकते तो इस तरह की योजना बनाए कि उनको आसानी से मंत्रालय की तरफ से लोन मिले। उनको और एक जो तकलीफ होती है माइनॉरिटी समाज को सबसे ज्यादा, स्पेशली मुस्लिम समाज को, उनके अगर वो रिजर्वेशन कास्ट के अंदर आते हैं तो भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, बने तो उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, उनके डोमिसाइल नहीं बनते हैं, अगर वो इंटरनेशनल बर्थ है तो उसके उसके डोमिसाइल नहीं बनते हैं, ये सारी चीज़ें उनके, या अगर उसको बस का, रिक्शा का परमिट लेना है तो रहवासी दाखिला नहीं बनता है क्योंकि उनके पास में डॉक्यूमेंट की कमतरता रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए, आज वो नई मुंबई में 15-20 साल रह रहा है, उसके बावजूद अगर आप उसको नई मुंबई का नहीं मानते हैं इसलिए कि उसके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो गलत है। उसकी जगह पे कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए या गवर्नमेंट को उसके जगह पे कोई एफिडेविट बनाना चाहिए कि मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, अगर मैं किसी तरह से गलत जानकारी दूंगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, और उसके डॉक्यूमेंट बनना चाहिए ताकि वो बिजनेस कर सके, ताकि वो नौकरी में जा सके। बिल्कुल, ये एक चीज है। रही बात मौलाना आजाद की, तो जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बहुत ज्यादा ऐसी पूरा एक जैसा बोलते कि हवा फैल गया था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वो पैसा निकाला था और डिक्लेयर किया था। हर एक बंदा, यहाँ पर मैं भी हूँ, हमारे पकीरा भाई है, इन्होंने भी और हमने भी कई लोगों को वो लोन दिलाए। मैं समझता हूँ कि 50-50 हज़ार कम से कम इस तरह का लोन दिया गया ताकि आपका छोटा मोटा कारोबार किया। तो मौलाना आजाद कमीशन जो है उसकी जो सीमित ताकत है वो ताकत के हिसाब से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ उसकी मर्यादा बढ़ाना चाहिए। इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए अगर बच्चा जाना चाहता है और बाहर की बैंक अगर आपको 50 लाख रुपया दे रही है तो मौलाना आजाद ने भी उतना ही पैसा उसको देना चाहिए। चर्चा के आखिरी सत्र की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूं कि ये जो बीच का हालिया जो दौर गुजरा है, ये जो मस्जिद से भोंगे उतारे गए और हनुमान चालीसा पढ़ी गई, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं सामाजिक जो सद्भावना थी उसके ऊपर आघात पहुंचा है और ये एक तरह का ऐसा मैसेज गया है, ऐसे नफरत की हवा फैल गई है इसके वजह से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा था। हाँ, जिस जो राजनेता को जो करने का था वो लोगों ने वो किए, लेकिन यहाँ के नवी मुंबई के लोग इतने समझदार है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, उनको पहले से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ये भावनाओं को कितना भी लोग ठेस पहुँचाने की कोशिश करें वो चीज़ नवी मुंबई में नहीं कायम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे, मैं जब से आया हूँ, मतलब मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मैं छोटे से, मतलब जब पैदा हुआ हूँ यहीं से, जब से मैं नवी मुंबई में हूँ, तो नवी मुंबई के लोग इतने समझदार है, इतने पढ़े लिखे तबका है कि चाहे ये भोंगा उतारने की बात करे या भोंगा चढ़ाने की भी बात करे तो भी ये उस चीज में जाएंगे नहीं। और मुस्लिम समाज भी आज के तारीख में मुस्लिम समाज का विजन एकदम क्लियर है, वो सिर्फ एजुकेशन और नौकरी और अपने काम, हाँ, कारोबार में ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। उनको ये कम्युनल चीज़ से या सेकुलरिज्म से अब कोई लेना देना नहीं है। जो राजनेता को जो उनको करना है वो अपना पॉलिटिकली वो करे, मतलब एक राजनीतिक समझ आ गई है। हाँ, राजू भाई क्या कहेंगे आप? ये कोई गवर्नमेंट का एक प्रेशर बनाती है मुसलमानों के ऊपर, ऐसे गवर्नमेंट नहीं, मतलब राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक वही राजनीतिक पार्टियां जो है प्रेशर, गवर्नमेंट कहेंगे तो कुछ अलग बात हो जाएगी। अभी यहाँ पे जो है नई बम्बई के अंदर सब शिक्षित लोग हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। हमारा 40 साल हो गया न्यू बम्बई में, आज तक देखा नहीं हिंदू मुसलमान ये सब कहीं भी नहीं देखा, सब एक दूसरे को भाई मानते हैं। और एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, संदेश मैं आपसे लूंगा बाद में, मैं लूंगा उसमें आखिर में आपसे संदेश ही लेना है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर कहें अनुर भाई, तो क्या इसका मैसेज यही जा रहा है कि भाई चाहे राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करें लेकिन मुंबई के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार हैं और राजनीति समझने लगे हैं अभी, और अनुर क्या कहेंगे आप?
एक इस पर थोड़ी मैं कुछ डिटेल्स में कहना चाहूँगा। देखिए, जो आपने लाउड स्पीकर के बारे में पूछा, लाउड स्पीकर का मसला उठाया ही इसलिए गया था कि कुछ पार्टियों को आपस में मिलना था, लेकिन मिलने से पहले जो उत्तर भारतीयों को कुछ साल पहले जो गरीब जो बेचारे लोग जो रेलवे के इंटरव्यू के लिए नौकरी के लिए मुंबई में आए थे और उनको मार करके भगाया गया उत्तर प्रदेश से होने की वजह बता करके, तो वो जो नुकसान था वो नुकसान के साथ वो पार्टी का मिलाप होना मुश्किल था। तो वो एक डैमेज कंट्रोल जिसको बोलते हैं वो करने के लिए ये सब्जेक्ट को लाया गया कि भाई आप इसको उठाओ ताकि ये लोग खुश हो जाए, मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी समाज का तो वो देख लेंगे, लेकिन इसलिए वो लाया गया। अच्छा, आज मैं आपको एक इस बता दूं कि जिस तरह से 2014 में बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई देश में और अलग अलग स्टेट के अंदर उनकी सरकार बनी, तब से मैं आपको ये बोलूँगा कि जो धर्म की चीज है उसके अंदर बहुत ज्यादा दबंगता आ गई है। अच्छा, उसके अंदर ये उस पार्टी के लोग ऐसा समझने लगे कि हमारी सत्ता है, हम आज अगर कुछ भी करें किसी भी समाज के खिलाफ, स्पेशली मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर हम कहीं कुछ भी बोल देते हम हत्या कर देते हैं, हम उनका रोजगार छीन लेते, उनकी दुकानें तोड़ते, घर तोड़ते या किसी भी तरह का उनको नुकसान पहुंचाते, तो सत्ता हमारी होने की वजह से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह की दबंगता उसके अंदर आया। उस वजह से ये हो रहा है कि जो आपस में भाई भाई की तरह रहते थे जो लोग, वो उन लोगों के अंदर धार्मिक खटास आ गई। नवी मुंबई के जो धार्मिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, उसके लिए मैं यहाँ की जनता को हैट्स ऑफ करना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन सभी धर्मों के लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, इसको नजरअंदाज कर दिया। बहुत बहुत सही आपने कहा, और ये मुझे लगता है कि ये मुंबई जो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। आप तीनों लोग एक पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के मुखिया इस सेंस में कि उस पर्टिकुलर अल्पसंख्यक जो सेल है उसको आपको बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है कि मुंबई का जो आपका समाज है आप उसका प्रतिनिधित्व करें। उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभा रहे हैं बखूबी? आपने जब से आपको पद मिला है तब से अब तक आपने क्या क्या काम किए? देखिए, मैं तो पद लेके अभी दो महीना हुआ है। इसके पहले के जो अध्यक्ष थे सुल्तान मालदार साहब, वो जिला अध्यक्ष थे और स्टेट के उपाध्यक्ष भी। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने कब्रिस्तान के लिए मस्जिद का जो सेक्टर 50 में था, और भी बहुत सारे इश्यूज थे, जितने भी छोटे मोटे इश्यूज थे उन्होंने उसको, जब हमारी सरकार थी उन्होंने अजीत दादा पवार साहब के सामने उस मैटर को रखा और मालदार साहब ने बहुत सारे इश्यूज को उन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक युवा को नेतृत्व देना चाहिए, उसके बाद उन्होंने मुझे वो कारोबार सौंपा। अभी मैंने नवी मुंबई की सारी कमेटी बनाया और अभी मेरा प्राथमिकता जो है एनसीपी की तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते, सबसे पहला मेरा ओपन और क्लियर विजन है कि मैं एजुकेशन में मेरे लोगों को जितना से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, उनको नौकरी के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जो नहीं मिल रहा है अगर नौकरी के लिए अगर नहीं हो सकता है तो हम बिजनेस के लिए कोशिश करेंगे, और हमारे समाज में एजुकेशन की जागरूकता लाएंगे, हमारे समाज में जो जो उनके दिमाग में है कि भाई सरकार हमारे साथ नहीं है या हमारे को अलग नज़र से देखा जाता है या हमको अंधकार में धकेला जाता है या नशे के या चोरी में, हर किसी में जो जाता है उनमें हम लोग एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करने वाला हूँ युवाओं को स्पेशली, कि अगर सरकार हमारे पास अगर साथ नहीं देती है तो क्या हुआ, हमारे पास विल पावर है, हम आपके साथ है, हमारी पार्टी एनसीपी आपके साथ है, शरद पवार साहब आपके साथ है, अजीत दादा पवार साहब आपके साथ है, इनका विजन एकदम क्लियर है कि माइनॉरिटी को जितना से ज्यादा हो सके उतना वो लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और पवार साहब का एक ही कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों को एजुकेशन में और पॉलिटिकली प्रतिनिधित्व देना चाहिए। यह हमारे पवार साहब का क्लियर कट स्टैंड है। क्या कहेंगे राजू भाई, क्या किस तरह की भूमिका आपकी जिला प्रमुख के तौर पर रही? चलिए, हम बहुत सारे काम किए हैं नई मुंबई के अंदर, राशनिंग विभाग से लेके हॉस्पिटल, हमारे जो बड़े लीडर है ऊपर है तो उनके भी सहयोग से एक्चुअली मैं अभी फिलहाल एक साल के अंदर 9 सर्जरी कराया हार्ट का उनके सपोर्ट में, और उदव साहब के ठाक
जाके दो तीन बार मीटिंग किया हमने, तो सुरेश कुलकर्णी साहब इधर का जो लोकल, हमारे लोकल जो लीडर है, उनके सहयोग से 5 महीने अभी फुटीज हॉस्पिटल में मुस्लिमों का, अल्पसंख्यक का 5 सर्जरी कराए बिना पैसे का। और ये हम न्यू बॉम्बे में पूरा अपना एक बॉडी बनाया था जी, कमेटी पूरी तैयार की, और मुसलमानों को अच्छा उन पार्टी के तरफ से संदेश आया और अच्छा जो है भागीदारी मिली उनको गवर्नमेंट के, शिवसेना के लिए अच्छे लोगों ने जुटा। और जो काम था हमारा, एक्चुअली मैंने मस्जिद के बारे में, हर नोड में मस्जिद के बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब से मैंने बात भी रखी थी, हर नोड में मस्जिद। पहले का जो गवर्नमेंट थी उन्होंने, हम लोग लिख के देते थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी केस लड़े मस्जिद के, हर नोड में मस्जिद है, मगर मुझे कहीं भी नहीं मिलता, अल्पसंख्यक के कहीं मुसलमानों को कहीं मिलता नहीं, नज़रअंदाज किया जाता, उनके पेपर जो है सिटको में थप्पी लगी पड़ी हुई है। 40 साल की नॉलेज की बात आपको बता रहा हूँ। और स्कूल जो है बच्चे के स्कूल, उर्दू स्कूल खोलने की बात होती है, तो अभी हमारे शिंदे साहब पालक मंत्री थे, तो इधर न्यू बॉम्बे में ये झोपड़पट्टी एरिया में उर्दू स्कूल नहीं था, बेलापुर से लेके और वहाँ एरावली तक, तो तुरबा स्टोर में उर्दू स्कूल का एक जगह जो है चिन्हित किया गया कि वह कम से कम वो चालू कराए, और यहाँ झोपड़पट्टी के लोगों को जो है उसका फायदा मिले, बच्चे को फायदा मिले। क्या कहेंगे अनूर भाई, क्या बतौर जिला अध्यक्ष क्या भूमिका रही है आपकी? बतौर जिला अध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं 2019 में मैं यहाँ का नई मुंबई जिला अध्यक्ष बना माइनॉरिटी का, और तब तो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन थे, तो एक साल तक तो मुझे कुछ काम करने के लिए नहीं मिला। लेकिन आज हमारे संगठन की स्थिति ये है कि दीघा से लेकर बेलापुर तक के 9 नोड के अंदर हमारे तालुका अध्यक्ष है, उनकी कमेटी है, मेरी जिला कमेटी है। आज भी अगर चाहे तो हम 500,000 लोगों का प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं, इस तरह से लोगों को हमने जोड़ा हुआ है और हमारा काम पूरे नई मुंबई के अंदर दिख रहा है। मैं थैंक्स दूंगा अपने पार्टी को कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। साथ में मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में हमारे लिए माइनॉरिटीज़ के लिए कांग्रेस के अंदर एक अच्छे हालात है। मेरे लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मौका है इस तरह से, लेकिन जब सरकार थी तो उस वक्त भी हमने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, आपको भी पता है कि आपने कई बार हमको देखा वहाँ पर। माइनॉरिटी को कांग्रेस की तरफ ले जाने के लिए किस तरह से मदद होगी, इस तरह की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और मुझे भरोसा है कि इस वक्त जो महापालिका का जो चुनाव होगा उसके अंदर आपको नई मुंबई के अंदर माइनॉरिटी समाज का, स्पेशली मुस्लिम समाज का जो प्रतिनिधित्व है, ये आज तक से हमेशा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और मुझ पर जो जिम्मेदारी होगी, जैसा कि हमारे कम से कम 5 से 10 लोग माइनॉरिटी के जो इच्छुक है वो सब लोगों को टिकट मिले, इस तरह की कोशिश हमें पार्टी की। चलिए, आपने मेरे आखिरी सवाल की शुरुआत स्वयं जवाब से ही कर दिया है, तो मैं अब सवाल को आगे बढ़ा देता हूँ। राजू भाई, आप कितने लोगों को आप टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे आप अपनी पार्टी से, कि ताकि माइनॉरिटी सेल का रिप्रेजेंटेशन बढ़े? शिवसेना से कोशिश करेंगे, नई बंबई में कम से कम हमारा अभी आबादी जो है 7 से 10% है, वो हिसाब से हमको टिकट मिले, भागीदारी मिले यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि हम चुन के लाने के लिए। तो भी हम अगर आज का कितने टिकट आप दिलाने की कोशिश करेंगे? कम से कम यहाँ बेलापुर से विधानसभा में 10-15 लोगों को टिकट मिले, और वो चुन के भी आने वाले लोग हैं। सैयद पीर फकीरा जी, आप अपने पार्टी से कितने लोगों को टिकट अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिलाएंगे? देखिए, मैं हकीकतन ग्राउंड पे जाना काम करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से हमारे पार्टी से कम बेलापुर और ऐरोली विधानसभा से 6 उम्मीदवार को टिकट मिले और उसको चुना के लाने का काम हमारी पूरी माइनॉरिटी की और हमारी पार्टी की रहेगी। माननीय श्री शरद पवार साहब ने जब हम लोग जब कुछ लोग जो बीजेपी के जो पुराने जो जितने लोग थे जब वो पार्टी में थे तब हम लोगों ने टिकट मांगा था, तब माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया गया था, तो केवल मेरी माताजी ने टिकट मांगा था। उस वक्त पार्टी में ऐसा कहा गया था, पवार साहब ने कहा था कि एक लेडीज मुस्लिम समाज के मांगा है तो आप उनको टिकट दे दीजिए, लेकिन आपको तो मालूम था पहले क्या चलता था, तो उनको टिकट नहीं मिला, हमको भी टिकट नहीं मिला।
तो हम लोग तब से काम कर ही रहे, पार्टी का काम कर रहे। उस वक्त का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। आज अगर आप नहीं भी देंगे तो भी हम चुन कर लाएंगे, लेकिन आज माननीय श्री पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब, हमारे जितेंद्र रावत साहब, शशिकांत शिंदे साहब, माननीय श्री प्रशांत पाटिल साहब, हमारे गावड़े साहब, इनकी सबकी भूमिकाएं बन चुकी है कि इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हमको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। यह हमारे पक्ष से आशा रखता हूँ। अनवर हवलदार साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी कम्युनिटी को, आप अपनी पार्टी को और नवीन भाई करों को? संदेश के बजाय मैं समझूंगा कि मेरी सूचना या विनती रहेगी कि अगर नई मुंबई के अंदर आपको पार्टी मजबूत करना है, माइनॉरिटी का परसेंटेज पार्टी के अंदर अगर बढ़ाना है, क्योंकि माइनॉरिटी समाज के किसी भी पार्टी में कम काम करने की वजह यह है कि वो रोजगार का सवाल आता है, क्योंकि उनके पास में रोजगार नहीं होते, या होते तो छोटे मोटे होते, तो वो लोग किसी तरह पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते। तो पॉलिटिकली मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी समाज को एक्टिव करना है तो पार्टी को भी इन समाज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, और लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा मिले, जो गरीब विधवा औरत है उनको पेंशन मिले, और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी पेंशन मिले, और शादी वादी के लिए उन गवर्नमेंट के तरफ से उनको अनुदान मिलना चाहिए। मैं ये संदेश आपके चैनल के तरफ से देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी पार्टी से विनती करूँगा कि अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि हर एक पॉकेट में अल्पसंख्यक समाज का संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक दूसरी, अनवर भाई ने जिस तरीके से कहा, हम अब हमारे समाज को जागने की ज़रूरत है, अब नहीं तो कब नहीं, आप इकट्ठा हो जाइए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। बाकी मस्जिद का प्लॉट, कब्रस्तान का प्लॉट, पानी, लाइट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारा, वो हमको मिलेगा। और आखिरी में मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमारे समाज को एक्सेप्ट कीजिए, जिस तरीके से हम आपको चुन के लाने के लाके देने के लिए पूरी मेहनत लगा दे, पूरी जोर लगा दे, पूरी कोशिश करते, ये सोच के कि वो हमारा भाई है, हमने तो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। हमारे समाज जहाँ भी आप देखिए, जहाँ जहाँ हिंदू भाई खड़े हैं, हमारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग अगर खड़े होते, आप भी हमको एक्सेप्ट कीजिए, आप भी हमको अपना भाई मानिए, या हम आपको वादा करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम भी आपके लिए खरा उतरेंगे और खरा सोना बनकर निकलेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने, तीनों ने बहुत अपना कीमती समय दिया और मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आपने जो बात रखी है कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज है, खासकर मुस्लिम समाज, उसमें शिक्षा को लेकर ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत है, सरकारी योजनाओं की को सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन्हें आर्थिक मदद देकर उत्थान की ओर ले जाने की जरूरत, तभी वो मुख्य धारा में वो जा सकेंगे। और जैसा आह्वान आप तीनों ने किया है कि अब यही सही वक्त है कि अब सारी चीज़ें छोड़कर आपको जागना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपने हक के लिए भी लड़ना होगा। आज के चर्चा में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए विषय पर दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।